सोच सोच के ना मैं कभी चला जाता हूँ डिप्रेशन में, मेरी खोपड़ी काम नहीं करती है, क्या कर रहा हूँ क्या करूंगा लाइफ में, बहुत तो उस चीज से मैं इतना दुखी हूँ ना लाइफ में लाइक। हाय आर्टियंस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आर्टियंस मुझे ना माफ कर दो, मैं ना आपके लिए डेली व्लॉग्स नहीं ला पाता हूँ, पता नहीं यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब मुझे जो फील हो रहा है ना, मैंने सोचा आज मैंने डिसाइड किया मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मतलब आपके साथ भी होता होगा। आपको पता है मैं ना जब रात सोता हूँ ना, मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मतलब बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मुझे मतलब मेरे सिर्फ दिमाग में आइडियाज ही रहते हैं। जैसे मैं रात को सोता हूँ ना तो उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ कि हाँ मैं कल ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ, तो उस चीज़ से मैं इतना दुखी हूँ ना लाइफ में लाइक। वैसे तो मैं सबको हंसा सकता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं खुद ही रात को, मतलब रात को सोचते सोचते खुद 3-4 बजे तक उठ जाता हूँ, फिर ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा पतला भी हो रहा हूँ, ज़्यादा सोच सोच के नेगेटिव चीज़ें होके, मतलब मैं खुद के साथ क्यों कर रहा हूँ ऐसा मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ आर्टियंस लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ अपनी लाइफ में, मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे अच्छा कर रहा हूँ, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद से मतलब मैं सोचता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ क्या करूँगा लाइफ में, बहुत क्या ही बोलूँ मैं। ओके एनीवेज, सो आर्टियंस आज मैंने ये दिख रहा हूँ, ये मेरे दादू का है, तो मैंने आपको बताया था ना मैं जब पहनूंगा मैं आपको बताऊँगा, तो आज मैंने ही पहना है और मैं अपने घर में हूँ, तो मैं आज अपने घर भी आ गया हूँ श्रीनगर, क्योंकि मैं जब यहाँ पर रहता हूँ मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ थोड़ी चीज़ों से, थोड़ा मेरा मेंटल पीस सही रहता है। सो आर्टियंस पता नहीं मैं ना, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, इतनी छोटी उम्र में कोई डिप्रेशन नहीं, लेकिन ज़्यादा सोच सोच के ना मैं कभी चला जाता हूँ डिप्रेशन में, मेरी खोपड़ी काम नहीं करती है, और इस चीज़ से ना मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ पता है, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ यार बिल्कुल भी, सही बताऊँ मैं कभी कभी ना बहुत गंदा इंसान भी बन जाता हूँ, मैं बहुत अच्छा भी हूँ बहुत गंदा भी बन जाता हूँ गुस्से में, लाइक कभी कभी जैसे मम्मी खाना दे रही है ना मेरे को अच्छा आ रहा है, पर पता नहीं मैं कहाँ कहाँ की चीज़ें लेके गुस्सा भर में ना चिल्ला दिया मैंने कि अच्छा खाना नहीं बनाया मिर्ची हो रही है, तो मम्मी भी रुक गई आज तो, पर मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा हूँ। ओके तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ ये चीज़ें मेरे साथ क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, तो मैंने कर दिया। अब आप मुझे बताओ ऐसा आपके साथ भी होता है, तो जस्ट देख रेस अपनों के साथ रहता हूँ थोड़ा और बस, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ, अब मैं थोड़ा हल्का हल्का फील कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ, चलो आप सबको मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और मैं जो क्यूट क्यूट हेयर स्टाइल बनाता हूँ मेरी आर्टियंस लड़कियों में काफ़ी पसंद करते हैं, तो रुको तो ये मेरे झबरू बाल आप देख सकते हैं, मेरे नेचुरली कर्ल है, मैं करता नहीं हूँ, सब मुझे पूछते रहता आप करते हो, मैं नहीं करता हूँ। तो देखो बेसिक हेयर स्टाइल में हमेशा हम बीच की मांग रखते हैं, देख सकते हैं बीच, तो नॉर्मली देखो मेरे पास देखो मतलब जो मेरे को आता है मैं आपको सिखा सकता हूँ, और थोड़ा बहुत सीखता भी रहूंगा, जो चीज़ नहीं नहीं सीखूंगा आप उसे बताते रहूंगा, ठीक है। तो आर्टियन देखो अभी मैं ना दो डिफरेंट डिफरेंट कलर के रबर्स ले रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको अपने क्यूट हेयर स्टाइल बना के दिखाऊंगा। देखो ये रबड़ है ना, ये होते हैं ना, ये पहले तो देखो ये मैं हाथ से बना रहा हूँ, मुझे मेरे पास कंघा नहीं है अभी, ये है ना ये, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये है ना ये टिप ऐसे अंदर के लिए ऐसे, ठीक है इतना हो गया, अब ये रबड़ है ना ऐसे करके करना है ये, बन गए देखो। अच्छा अभी उतनी अच्छी नहीं बन पा रही, लेकिन ऐसी अभी नहीं, अभी ना। तो मेरी नजरों में इस हेयर स्टाइल को बोलते हैं क्यूट, क्या नहीं क्यूट नहीं पता नहीं कुछ भी नहीं बोलते, बोलते हैं मैं खुद ही रख लेता इसका नाम, इसको बोलते हैं म्याओ स्टाइल म्याओ। तो बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं, ओके डू यू नीड अ हग,
a good hug from my side to you all Ardians. और मैं यहाँ पे अकेला हूँ ना, तो मुझे अपना, अभी आपको पता है मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया ना, अभी कॉलेज भी नहीं गया मैं, मतलब कब स्टार्ट हो गया था पता है, तो सोच रहा हूँ मंडे को जाऊँगा। और आप सब मुझसे पूछे थे आपने क्या लिया, तो मैंने बीए कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर मेरा बीए है, तो मेरा फर्स्ट डे होगा कॉलेज का, मंडे को जाऊँगा, तो जब जाऊँगा आपको भी बताऊँगा, पता नहीं कैसा होगा। वैसे ना मेरे दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त ही बनते, मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा बनते हैं ना, पर लॉन्ग टर्म के लिए मेरा साथी सिर्फ एक ही बना है अभी तक, वो है मेरी दीदी गुगू, मतलब वो ही मुझे समझ सकती है मेरे को लाइफ में। तो आर्थियन मेरे एक चीज़ अभी तक, मतलब मैं 20 साल का हूँ, 20 साल ही, तो मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की है लाइफ में, मतलब 20 साल में एक चीज़ है, मतलब तुम्हारा साथ कोई दोस्त वोस्त नहीं देता है, तुम्हारी फैमिली ही देती है, इसलिए हमेशा अच्छा रहो, अपनी टाइम दो अपनी फैमिली को, हर चीज़ ठीक है। तो माय पुची एंड आई लव यू ऑल। चलो ये मेरा आज का हेयर स्टाइल है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अगर आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ऐसी करते हैं ना कुछ, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब। और आपको पता है मतलब मैं जब ज़्यादा सोचता हूँ ना, पता है मैं ना जब अंदर से होती है ना चीज़ें, मैं ना मेरा मुंह बहुत डल हो जाता है और मेरी डार्क सर्कल्स पड़ने लग गए, देखो अभी से, अभी उम्र ही क्या है, डार्क सर्कल्स पड़ रहा है, बुढ़ा जैसे बुढ़ा हो गया हूँ मैं। ओके लव यू आर टीन्स। चलो मैं आपको अपनी मम्मा से बुलाता हूँ, थोड़ा व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, ठीक है रुको। आप सबकी मम्मी भी दिन भर काम करती रहती है, मेरी मम्मी तो दिन भर काम करती रहती है। मम्मी हाय बोल दे। इसको ना मैंने आज गुस्सा किया ना, तो मेरे से गुस्सा है पर मेरी मम्मी ना मेरे को समझती है और कोई नहीं समझता, मेरी मम्मी है, मेरी दुनिया की सबसे प्यारी मम्मी है। ऐसी ना थोड़ा थोड़ा बच्चों की आवाज़ में करना पड़ता है, पता है मम्मी मान जाती है अगर उठती नहीं है मेरे से, और आप भी तो मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपके साथ ना थोड़ा बेबी बेबी जैसा रहता हूँ। मैं यहाँ का व्यू दिखाऊंगा कितना सुंदर है, यहाँ के ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है यार, लाइक वाओ, तब सुकून सा मिलता है, कोई होती है ना एक जगह यहाँ पे बैठ के ही यार, मैंने ना मतलब पहले भी मुझे जब फील होता था ना, मतलब अकेला अकेला फील होता था, यहाँ पे जाता था खुद से खुद ही बातें करता रहता था मैं, और ना मतलब फिर डिसीजन लेता था, नहीं आती तुझे ऐसा नहीं करना है ऐसे करना है, खुद से खुद ही बात करता रहता था। अब बड़ा हो गया हूँ आजकल थोड़ा, तो मतलब सोचता हूँ चीज़ों को लेके, चलो अच्छा है, बस दिस प्लेस इज़ लाइक हेवन यार, देखो वाओ, अच्छी नहीं है, मस्त है ना। और वैसे मैंने आज दादू का ये पहना है, कैसा लग रहा है बताओ। तो ओके आर्टियंस, अब मैं शायद इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी क्या ही बनाऊँगा व्लॉग, मतलब ऐसे आर्ट वगैरह, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो आपको मतलब क्या चीज़ पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और प्लीज़ यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे लगना भी तो चाहिए, मतलब जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही है। वैसे तो अभी मैं इतनी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब सही बताओ मुझे बहुत कुछ करना है अभी, बहुत कुछ, ठीक है। तो मैं अपना मेंटल भी शांत रखूँगा, अगर आप मुझे कुछ अपने आइडियाज देख सकते हैं क्या क्या करना चाहिए मेरे को, मतलब ऐसे गुस्सा ना करना एंड ऑल, तो आप दे सकते हो मुझे। और आप अपना ख्याल रखो सबके सब, और वन मोर थिंग बताऊँ क्या, योर आर्टी लव्स यू। और हाँ एक और चीज़ रुको, हाँ तो मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, टंटना बेल आइकन भी पुन कर दो, बाय बाय बाय। अरे मेरा हेयर स्टाइल बताना कैसा लगा, बाय यार, प्लीज दो, मेरे पास इतनी प्यारी फैमिली है, अगर ये नहीं होती ना तो शायद मैं पागल हो जाता। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज़।